हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल IKS व्लॉग्स। वेल 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 वेल, ये व्लॉग किस चीज के ऊपर है? आज हम जा रहे हैं कुछ मीठा खाने। मेरा आज कुछ मीठा खाने का मन है, तो आज इन्होंने खा के लाओ क्या है तुम्हारे मेरठ में। अब आज इन्होंने मुझे बोला कि इनको कुछ मतलब मीठा खाना है, लाइक कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह, केक पेस्ट्री कुछ भी। सो हम इन्हें लेके जा रहे हैं मेरठ की मशहूर ला पमीराज बेकरी शॉप। ला पमीराज, यस। ये वियर्ड नेम नहीं है, वहाँ जाके पता लगेगा। ये वेल कहाँ पर है इसका लोकेशन? ये बेसिकली अबुलेन मार्केट है, बहुत फेमस मार्केट है, वहाँ हनुमान चौक है, उसके सब बराबर में ही है। आपको पता लग ही जाएगा रास्ते में। चलो फिर चलते हैं। चलो चलो। सो गाइस, अब हम निकल चुके हैं मीठा खाने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था। और आफ्टर डिलीवरी मैं बहुत दिनों बाद आज बाहर निकली हूँ, और हमारा बेबी अभी घर पर ही है। हाँ, वो अपनी दादी के पास है, सोया हुआ है। सोचा क्यों ना एक व्लॉग शूट किया जाए, वहाँ जाया जाए। और मुझे ये भी एक्साइटमेंट है कि मेरठ के अंदर मैं भी देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी जगह है, ताकि बाद में ये ना हो मेरे साथ तो मैं अकेले भी जा सकूँ। तो अगर ये भी नहीं होगी तो उसके बाद भी मैं अकेले व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। क्या नाम था उस जगह का? ये नहीं जा सकते, नाम तक तो पता ना, नाम मुझे भी दोबारा जाके मैं आप लोगों को भी जैसे दिखाएंगे अभी तो नाम मुझे याद आ जाएगा, तब मैं वहीं पे जाके फिर आप लोगों को अकेले व्लॉग बना के दिखाया। ये है हमारा अबुलेन। रात में यहाँ की बहुत रौनक देखने को मिलती है, बहुत सही। अरे हम कहाँ जा रहे हैं? हम मैं भूल गई, हम बस पहुँचने वाले हैं। तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन। पीछे दिख रहा होगा ला पमीराज, बेसिकली बेकरी एंड टी लॉन्ज है यहाँ पर। एंड बाकी हम अंदर चल के आपको पूरा दिखाते हैं और रिव्यू देंगे उसका बढ़िया। मेरे पीछे देख सकते हैं केक पेस्ट्रीज की वैरायटी यहाँ पे कितनी सारी है। हम डिसाइड कर रहे हैं फाइनली क्या लेंगे। सो बेसिकली फिलहाल टाइम वाला हमने जो तो ऑर्डर दिया है, हम पूछते हैं ऑलरेडी हमारे कोलीग्स खा रहे हैं जो ऑलरेडी फीड कर चुके हैं, तो उनसे पूछते हैं। वी ऑर्डर्ड मिक्स सॉस पास्ता एंड ड्रिंक्स, दिस इज ब्लूबेरी एंड दिस चॉकलेट। दिस इज ब्लूबेरी एंड दिस इज चॉकलेट एंड दे ऑर्डर्ड मिक्स सॉस पास्ता। यस, एंड इट वाज डिलीशियस। इट वाज द सेकंड टाइम नाउ। इट वाज सेकंड टाइम हियर, यू आर कमिंग सेकंड टाइम। सो ऑब्वियसली जो ये वीडियो देखेंगे वो सजेस्ट देम टू कम हियर, है ना? या डेफिनेटली। एंड शेक्स वगैरह, या कॉफी, या ब्रो, if you have to give, मतलब अगर आपको rating देनी out of 10 या out of 5, please. Out of 5 I would give, it's definitely a 8 or 8.5 rather. 8.5 rating है, so obviously those who are seeing the video, please यहाँ आना and try करना. Definitely इन्होंने ये try किया है. बाकी हम और जो बैठे हैं उनसे भी एक बार मिलते हैं, आपको बताते हैं।
सो नाउ एक और हमें मिले कुलीग्स यहाँ पे, देर ऑल्सो ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, उनसे भी पूछते हैं. सो हेयर दे आर एंड लेट आस्क देम. आपने यहाँ मतलब ये क्या बनाया, आपको क्या लगा, आउट ऑफ 10 आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे? 8 would be okay. It's a bit expensive, मतलब worth ही है. The ambiance is good. Means you're sitting over here and you're enjoying the the vibes and all. So if you have to, yes, 10 on 10. So what was the food? Definitely in future if you want to suggest someone, they must visit this place, right? If you want to spend quality time with someone, you should definitely. All right, so. हैप्पी गेस्ट दे आर द बेस्ट थिंग एंड डेफिनेटली अगर आप आगे भी आएँ तो प्लीज़ ट्राई दिस. तो अभी हमने जो आस पास जो बैठे थे उनके रिव्यू लिए, पर हम जिनके लिए आए थे यहाँ पे बेसिकली जिसका मन था उसका तो पूछे चॉकलेट ट्रफल इनकी आ गई है, इनसे पूछते हैं टेस्ट करके बताइए, बताइए कैसा लगा. मुझे वैसे देखने में तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रही है और यहाँ के लोगों का रिव्यू देखने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ बार बार आऊँ. अब तक हमने काफ़ी जगह ट्राई किया है लेकिन ये प्लेस मतलब हैंग आउट के लिए और बहुत ही ज़्यादा मुझे बढ़िया लगा यहाँ पे खड़े. प्योर चॉकलेट, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच. ये शुड बी, आप अभी जरूर ट्राई कीजिएगा. तो ये हमने मंगाया है फैशन फूड ओरिजिन मोजिटो, राइट. सो हम इनसे पूछते हैं, यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, क्या लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादा लेना, और अगर इनसे पूछा जाए तो ये बताइए. सर हमारे यहाँ पे बेस्ट सेलिंग लज़ानिया है स्पेशली, और फलाफल प्लेटर है, और हमारे पास थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है, काफ़ी आइटम्स है, और टिक्का है, पनीर टिक्का रोल बहुत फेमस है यहाँ का, अचारी है. तो ये सब है, आप कभी फ्यूचर में आए डेफिनेटली इनमें से कुछ ट्राई करें, पक्का आपको अच्छा लगेगा. मॉकटेल्स और शेक्स भी अच्छे हैं, और काफ़ी डिमांड में हो रही है ना. सो गाइस जैसा इनका खा के इन्हें मीठा खाना, इन्हें मीठा भी खिलाया, मन भी खुश हुआ. हमने भी ये जगह देखी, परफेक्ट जगह अगर आप लोकल आए तो डेफिनेटली यहाँ जाना. अच्छा एम्बियंस है और वाइब्स अच्छे हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, और थोड़ा बहुत खाना कॉस्टली है जो भी चीज़ है, बाकी यहाँ मज़ा पूरा आएगा आपको. हैंग आउट प्लेस अच्छी है, अगर आप दोस्तों वगैरह के साथ जाओ बहुत ही अच्छा प्लेस, मुझे बहुत मज़ा आया. बाकी इसी तरह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में यार. प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करो यार, मतलब ऐसे मत करो यार, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करो, अच्छा लगे तो बताओ, ना अच्छा लगे तो बताओ. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.